नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में प्रथम काउंसलिंग के बाद सीटें खाली रहने की प्रबल संभावना है और अब उस स्क्रूटनी भी समाप्त होने वाला है। तो ये बात बीएसएससी को ही पता होगा, सही जानकारी होगी कि कितना सीट खाली जा रहा है और क्या हो रहा है। तो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से मांगड़ा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि अगर एक भी सीट खाली रहती है तो आप काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए और उन लोगों का काउंसलिंग करवाइए। इस बहाली में एक भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और 7.5 सालों में हजारों ऐसे अभ्यर्थी है जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और दूसरी तरफ इन 7.5 सालों में इन हजारों अभ्यर्थियों ने काफी दुख तकलीफ को झेला है और ऐसी परिस्थिति में अगर सीट खाली रह जाए और इन लोगों को नौकरी ना मिले, ये लोग बेरोजगार रह जाए, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, नाइंसाफी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और एक भी सीट खाली ना रहे। और काउंसलिंग में जो लोग भी ऐसे लोग होंगे जो कहीं जॉब में हो या फिर जो जिन लोगों ने काउंसलिंग करवा लिया है लेकिन वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों से भी अपील है, हम उनसे विनती कर रहे हैं कि अगर आपने काउंसलिंग करवा लिया है लेकिन अब आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में, तो आप प्लीज एक काम कीजिए कि आप कम से कम एक लेटर लिखिए, आवेदन दीजिए बीएसएससी के सचिव के नाम से और उसमें आप जिक्र कीजिए कि आपका काउंसलिंग कब हुआ, आपका रोल नंबर क्या है, पूरा डिटेल दीजिए और आप ये चीज उसमें लिख दीजिए कि आप इसमें ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं और उनके जगह पे किसी और को ज्वाइन करा दिया जाए या काउंसलिंग करवा लिया जाए उनका। तो आप इस तरह से एक लेटर लिख दीजिए ताकि एक मानवता दिखे, क्योंकि जब आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो यहाँ सीट खाली रह जाएगी और अगली वैकेंसी में उसको जोड़ दिया जाएगा। और इधर जो है 7.5 साल से लोग लगे हुए हैं, आप ही के साथ पढ़ने वाले, आप ही के मित्र, आप ही के रिश्तेदार, सगे संबंधी होंगे कोई, तो उन लोगों को नौकरी ना मिले, वो लोग बेरोजगार रह जाए और आप इधर काउंसलिंग करवा के आप दूसरे जगह ज्वाइन किए हुए हैं या ज्वाइन कीजिएगा और इधर सीट खाली रह जाए, नौकरी इधर युवा को ना मिले, बेरोजगार रह जाए, तो ये बहुत गलत होगा। तो ऐसा ना हो इसलिए आप कम से कम एक लेटर लिखिए और खासकर जो दरोगा अभ्यर्थी भी हैं जो 2446 में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब उस पे जो रोक थी वो पटना हाईकोर्ट ने खुद ही हटा लिया है, तो अब आप लोग के सामने कोई समस्या भी ऐसी नहीं है। तो आप लोगों ने भी अगर काउंसलिंग करवा लिया है प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में तो आप लोग भी निश्चित रूप से एक लेटर लिख दीजिए ताकि आयोग इस पे विचार करे और काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट निकाले और सीट खाली न रह जाए, क्योंकि आप लोग जब ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, काउंसलिंग करवाने के बाद भी सीट खाली रह जाएगी, तो इसलिए एक लेटर लिख दीजिए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है हर हाल में इसका प्रयास कीजिए कि एक भी सीट खाली न रहे। और आपके पास कोई इस तरह का लेटर आता है जो ये कहते हैं कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनको एक तरह से रिक्त पद समझ के और काउंसलिंग के लिए आप सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए और एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए इस बहाली में, इतना मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। और दिव्यांगजनों का यानी कि हैंडीकैप्ड जनों का जो समस्या है कि उन लोगों का कहना है कि उनकी कैटेगरी में लगता है रिजल्ट ही नहीं दिया गया, तो आप इस आपको अब पता चल गया होगा कि उनके कैटेगरी में रिजल्ट है या नहीं। अगर नहीं है उनके कैटेगरी में रिजल्ट, गलती से भी छूट गया है, तो आप उनके कैटेगरी में रिजल्ट दीजिए और जल्द से जल्द उन लोगों का काउंसलिंग करवाइए और एक भी सीट इसमें खाली न रहे, इस बात का आप पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और काफी लंबा समय होता है 7.5 साल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दिव्यांगजनों की भी जो समस्या है उनका भी समाधान कीजिए और जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रिमिनल वाली जो बात है उसमें भी आप करंट ईयर का यानी वर्तमान साल का भी मान्य कीजिए, चाहे पुराना हो या नया हो, सबको मान्य कीजिए और मानवीय रुख अपनाइए। मानवीय रुख अपनाते हुए इस बहाली को आप जल्द पूरा कीजिए, कोरोना का बहाना आप मत बनाइएगा, जैसा कि लगता है जैसे पिछले पहले भी आप बना चुके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोरोना का बहाना मत बनाइएगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ ऑफिशियल काम करना है, तो आप कोरोना का बहाना मत बनाइएगा और जल्द से जल्द इस बहाली को आप पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिए, ईमानदारी से प्रयास कीजिए। मैं यही कहूंगा कि आप ईमानदारी से प्रयास कीजिए कि जितना जल्द हो इस बहाली को पूरा कीजिए और एक भी सीट खाली न रहे, इसका भी आप पूरा प्रयास ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि परीक्षार्थी 7.5 सालों से लगे हुए हैं और उनके दुख तकलीफों को आप भी समझ रहे होइएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ रहे होंगे, हर कोई समझ रहा है, तो इसका समाधान होना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में एक भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी इसके लिए तैयार रहिए कि अगर काउंसलिंग की तो हो चुकी है, स्क्रूटनी भी आज संभवतः समाप्त हो जाए, तो जैसे ही पता चले कि कितना सीट खाली है उसके बाद हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे सेकंड लिस्ट जारी करवाने के लिए, लेकिन आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट
होकर आवाज उठाते रहिए। तो काउंसलिंग के लिए, सेकंड लिस्ट के लिए भी हम लोग आंदोलन अगर करना पड़े तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन की नौबत न आए और बीएसएससी खुद ही मानवीय रुख अपनाते हुए काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट जारी कर दे। और बिहार सरकार को भी चाहिए कि हर भर्ती आयोग को ये दिशा निर्देश दे कि वेटिंग लिस्ट भी जारी हो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जारी न होने से हर बहाली में होता है कि कुछ सीट खाली रह जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट भी जारी हो तो बहुत अच्छा रहेगा और सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह करें कि आप लोग एकजुट रहिए, आपस में गुटबाजी मत कीजिए, आपस में किसी बात को लेकर विवाद बिल्कुल मत कीजिए, और जिस तरह से पहले से एकजुट रहे हैं उसी तरह आगे भी एकजुट रहिए। अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे तो आयोग फिर मनमानी करेगी। अभी आपको काउंसलिंग हुआ है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट भी निकलवानी है, तो इन सभी बातों को देखते हुए एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे तो आयोग मनमानी करेगी, जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं। तो अभी भी जरूरत है, एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज उठाते रहिए। जहां भी गलत हो वहां सच्चाई के लिए आवाज उठाइए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए और एकजुट रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।